हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं फातिमा रेज़ी ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। सो गाइस, आप लोगों को 13वें रोज़ा मुबारक। सो अल्हम्दुलिल्लाह सबके 13 रोज़ा हो गए हैं, मतलब 13 रोज़ा चल रहा है। ये वीडियो जाएगा तब तक 13 रोज़ा हो जाएगा। सो जी हाँ, सबके रोज़ा कंटिन्यू है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से रोज़े सबके गुजर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग हम लोग ने स्टार्ट किया क्योंकि बहुत टाइम से ब्लॉग वापस नहीं आया था, 5-6 दिन गुजर गए थे। और जो है इस ब्लॉग में किसी से मिलाना है, दिखाना है, क्योंकि हम लोग जो है बीच में गए थे उसे लाने के लिए। सो देखिए कौन है, ये देखो, ये देखो ये बच्चे को। गाइज अयान आ गया और इस बार माशाल्लाह इस ऐसा आया है कि ईद करके जाएगा हमारे साथ। और इसको तो पहचानते हो गाइस, पहचानते हो इसको? ये देखो, ये लड़का सहरी कर रहा है, ये देखो सहरी कर रहा है। सो आयान, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सब अच्छा। ठीक है? हाँ, अब घर की कम याद आती है ना? आयान को गाइस अब घर पे कम याद आती है, घर की कम याद आती है, मगर आता है तो खुश हो जाता है। सो अभी जो है ये कब तक ईद तक रहेगा, है ना? सो गाइज, एक्चुअली मैं कैसा है कि आयान का जो बोर्डिंग का छुट्टी हुआ है, समर वेकेशन हुआ है, ये 23 तक था। अभी ईद वाले दिन ही इसे ड्रॉप करने जाना था, तो बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया 3 दिन एटलीस्ट और एक्सटेंड करते हैं हम लोग छुट्टी, फिर इसे ले जा करके ड्रॉप करेंगे। तो 26-27 तक इसे ले करके जाएंगे हम लोग, क्योंकि बच्चा अब यहाँ तक आया हुआ और ईद के दिन ही जाके छोड़ना पड़े तो मतलब नहीं है ना। एक्चुअली लास्ट ईयर का ईद भी उसने बोर्डिंग में ही किया था, तो अभी इस बार तो हम लोगों ने बोला 3 दिन का चलेगा, एक्सटेंड कर लेते हैं। सो आइए मिलाते हैं फातिमा से और देखते हैं पता नहीं क्या कर रही है। फातिमा किधर गई यार? अच्छा इधर है, ये देखो फातिमा को। हाँ, सलाम कौन करेगा? सलाम अलैकुम बोलना पड़ता है मुझे, लोग कमेंट करके दूस देंगे। देखो मैं कहाँ थी वो भी भूल गई। जा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। चलो गाइस इसे कुरान पढ़ लेने देते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ। इसे कुरान पढ़ने देते हैं और मैं भी जो है कि कुरान पढ़ लेता हूँ एक बार, उसके बाद फिर मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। तब तक के लिए चलिए आप भी कुछ काम कर लीजिए, मैं भी कुछ कर लेता हूँ, बाय। सो गाइस, जो है हम लोगों का नमाज़ भी हो गया, कुरान भी पढ़ करके हो गया, कुरान पढ़ लिया हम लोगों ने सब। फातिमा जो है लग गई है अफ्तार की तैयारी में, क्योंकि अब टाइम भी थोड़ा सा बचा है, पूरे 1 घंटे बचे हैं। तो ये देखो आज फातिमा को पूछता हूँ कि आज वो बना क्या रही है वो, ठीक है? हाँ तो मैं पूछता हूँ, फातिमा क्या बना रहे हो आज? रोज नहीं पूछते हो? नहीं आज पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि आज बना किसी के लिए। क्या बना रहे हो? छोला। हाँ। पूरी। हाँ। हाँ। वेरी गुड। और गाइस देख लो, मैं दिखाता हूँ, रात को मुक्का मारा था इधर, ये देखो नाक पे मुक्का मारा, एक घुसा दिया। है ना दाग अभी भी? हाँ दाग है। देखो रोज रमजान में भी मारते लोग। गजब झूठी है रे। तू भी बोलेगा तो मैंने उसको। मैं मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गई। सो आज क्या क्या बना रहे? खीर बन गया, खीर बन गया, खीर बन गया है, इधर छोले की तैयारी हो गई, ठीक है करो। पूरी छानना है और भुजिया तलना है। पूरी छानना और भजिया तलना है। और एक तो ये है यार, पूरे दिन मेरे घर में ना, आज इसका ट्यूशन नहीं है, यह बच्चे का आफत मचाया हुआ घर में टीवी देख देख करके। क्या बोला जाए ये लड़के का, इसको तो कुछ लेना देना नहीं है, बस ब्लॉग ब्लॉग, टीवी टीवी। और एक तो मेरा बेटा देखो कितना मेहनत कर रहा है, साफ सफाई के दौरान में मैंने ये पूरा कंप्यूटर अनइंस्टॉल करके रखा था, मेरा सिर्फ रेडी किया था, इसका नहीं किया था। तो ये बेचारा अभी मेरा बच्चा खुद से सब लगाना के लिए ट्राई कर रहा है, मैंने इसको खुद बोला बेटा सीख ले ये सब चीजें, हो गया मेरा बच्चा। अरे बाप रे, वो सब डेटा केबल अभी वगैरह साइड में रखो, अभी बताता हूँ। सो गाइस एक और तकलीफ भी आ गई है, मेरा पीसी भी 1 साल हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा धोखा देने लगा, इसका ड्राइव बराबर नहीं चल रहा है, हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम आ गया, तो फाइल ही एक्सप्लोर नहीं हो रहा है। बाप ही तो बेटे को सिखाते है सारी कुछ है, तो ये सब चीज सिखाएंगे कि नहीं, हटो। सो गाइज, ताज़ा खबर में फिर ये भी है कि अम्मी का भी ठीक है माशाल्लाह, सब कुछ अच्छा चल रहा है। थोड़ा बीच में तबीयत उनकी लड़खड़ाई थी, बट मेडिसिन उन्होंने लिया तो ठीक है अभी वो, और जो है बस यही सब चल रहा है, क्योंकि रोज़ा रमज़ान में तो और कुछ ज़्यादा है नहीं अपडेट्स के लिए। खैर इंशाल्लाह बाकी सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। सो मिलते हैं थोड़ी देर में, जैसे जैसे जो है अफ्तार रेडी होगी उसके बाद हम लोग मिलते हैं रोज़े पे। तुम क्या अपडेट देना चाहोगी? मैं
कुछ ये है कि ये दो तो आ चुका, ये खाली नहीं आ चुका, इससे पहले आ जाएगा। ऑर्डर कर दिया, आ जाएगा एक हफ्ते में। हाँ यार गाइज, ये थोड़ा सा एक तकलीफ हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, ये अभी तक पूरा ऐसे ही जो है ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो इसके लिए ऑर्डर तो दे दिया हूँ, आ जाएगा। ज़्यादा जो है नारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, उदास मत हो पंकज, उदास मत बनो तुम। देख लो अपने फ्रेंड से बात कर रही है। तो फिर छुट्टी लेके आए तो एक्सचेंज कर लो चेन्नई की। अच्छा गया मैं तो, अभी चालू हो जाता है स्कूल। लगी भी अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, 20 मिनट बचा है रोजे के लिए, हो जाएगा। गाइस यही चीज़ अगर मैं करता ना तो बोलती कि पहले रख दो ना फोन, अपने दोस्त लग से लगे रहे हो, पहले काम कर लो ना, यही चीज़ मेरे साथ करती। हाँ मेरा आदमी देखो। मेरा आयुब क्या कर रहा है, मेरा आयुब पियानो बजाने के लिए सीख रहा है। मेरा बच्चा आता है पियानो, अरहन आप क्यों नहीं बजाते थे, आपके पास था तो ये अभी कैसे मिल गया। एक जगह इसलिए बोलते हैं रखने का, एक जगह कोई भी चीज़ रखोगे तो मिलेगा। गाइस ये बहुत मस्त पियानो है, कैशियो का सारा, इसके अंदर अलग अलग फंक्शन भी है। बजा लो बेटे। सो गाइस अभी जो है ऑलमोस्ट जो है 6:30 हो गया है और जो है टाइम थोड़ा ही बचा है, 20-25 मिनट के आसपास बचा है। और फातिमा का तो लग ही पड़ी, अभी देखो कब पूरा होता है इसका। कितना टाइम बाकी है भाई, यहाँ पे कितना बज रहा है, यहाँ पे 25 मिनट बचा है मैडम, 25 मिनट बचा है, वहाँ भी 4 बज रहा है बोलो, यहाँ 20-25 मिनट अभी बचा है रोजा खोलने के लिए। अब बॉबी का रिएक्शन उधर साइड से मिलते जा रहा है। और ये देख लो, ये है छोला पूड़ी के लिए, पूड़ी का आटा बना चुके हैं, लोग पूड़ी छान रहे अभी। डैडी अभी तक नीचे से आए नहीं हैं। क्या हुआ बेटा आपका, ऐसा क्यों रिएक्शन है, मेरा बच्चा क्या हो गया मेरा बच्चा को, कौन बयान निकलता, मेरा बेटे का बहुत शिकायत रहता है। ये देखो ये बजाएगा, अरे वाह मेरा आरू को आता है बजाने, आई जा। हाँ ये मेरा आरू को बजाने आता है गाइस, ये देखो आरू गाना बजा रहा है, दिल है कि मानता नहीं। आरू तुझे रोजा खोलने का दुआ याद है पूरा। गैस हम लोग दुआ पढ़ते रहते, उसके पहले आरू खा लेता दुआ पढ़ के, और फुल स्पीड में पढ़ता है। हंसो नहीं, उसको आता है, मौलाना साहब आजकल उसको सब दुआ याद करा दिए। हाँ ये आपका फेवरेट आज मामा बना दी खीर पूरी। तो क्यों ऐसा खाली, चलो रोजा खोल लो तुम मोबाइल। सो गाइस हम लोग की अफ्तार से तो कब से हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया, अभी 10 बज रहा है, मैंने ईशा का भी नमाज भी पढ़ ली, और अभी पढ़ के जब इनके ऑफिस वाले रूम में आई हूँ तो ये देखें क्या देख रहे हैं, मैं आपको मैं दिखाती हूँ। तुम क्या देख रहे हो बताओगे, मैं दिखला दूँ, ये देखो 10 साल पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। ये देखो गाइस, ये देखो शादी की, ये हमारी शादी की वीडियो फोटो है जो कि कहाँ खो गई थी, पता नहीं कहाँ से कचड़ डब्बे से निकला है, जो कचड़ के डब्बे में चले गए थे। ये देख लो गाइस मेरी बीवी कितनी सुंदर दिख रही है, कितनी बच्ची दिख रही है, अल्लाह या अल्लाह। वही मैं अभी अचानक मेरे को दिख गया था, मैं यार देखने बैठ गया। सही है देख लो, पुरानी यादें ताज़ा हो गए, पुराने गम और नहीं, और गाइस एक मिनट, वो तो शादी का था गाइस, सगाई का दिखाता हूँ, ये देखो। अरे ये हमारे मंगनी का है, ये हमारे एंगेजमेंट का है, देखो गाइस ये हमारे मंगनी का है, उससे एक साल पहले का। यार जैसा कल दिखता था वैसा आज दिख रहा है, हमें कैसी दम कैसे से तैयार हुई थी, या अल्लाह। तुम 11 साल पुरानी आइटम, मैं बहुत पुरानी आइटम, काश मेरी शादी अभी होती, मैं भी अच्छे से तैयार होती एकदम। चलो खाना खाने चलो, चलो पुरानी यादें ताजा हो गई, जाने दो दिल दुख गया, अब खाना भी नहीं जाएगा, खाने के बाद दिखलाते। नहीं चलो खाना खा लेते गाइस। ये देखो आयान का बचपने का फोटो, आयान कितना छोटा था,
बहुत उस समय सर ये दो साल का डेढ़ दो साल का होगा आयान का। ये देखो आयान का मेरा फोटो और देखो अब आयान माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया यार लड़को, माइक लेवल में हो गया, मेरे से भी ऊपर निकल गया। ये देखो माँ से भी ऊपर चला गया माशाल्लाह, ऊपर चला गया। अब ये टाइम है ना और ऊपर जाएगा, बाप की तरह लंबा है। तुम ही तो बोलते थे बाप की तरह लंबा निकलना। हाँ, हाँ, तो बाप बेटे का था ये, क्या है ये हम लोग जब गए थे उमरा के लिए। हाँ आयान कितना छोटा था, हम लोग उमरा के नानी के गोद में। देखो मैं भी था, मैंने मुझे वो याद है। तुझे उमरा का याद है? मुझे याद है। चलो अभी देखो अभी इंशाल्लाह कब एक बार जाते हैं। अभी इंशाल्लाह जब बुलावा रहेगा तब हम चारों, ये भी रहेगा इस बार हमारे साथ। आयान जब छोटे में गया था तब देखो कितना छोटे में गया था, उम्रा से पहले का था। ये देखो गोदी में इसका लेकर के गया था मैं उम्रा करने, मैं तो टकला हो गया था तब का। देख देख आयु भाई टकले हो गए थे, वो टकला हो गया दिख रहा। चलो 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 गाइस को पुराने फोटो देख के इसकी शुरू से आदत है मुंह खुला रखने की। देखो हाँ तभी से इसके दांत इसके बड़े रह गए थे, अभी भी इसके मुंह देखो खुले रहते हैं, कनेडा ओ करके रहेगा। हर वक्त मुंह खुला रखता है इसीलिए दो दांत बड़े हुए। भाई बनकर बनकर सांस नहीं आती इसको। और गाइस अभी तो कहना ही नहीं है आयान का, अब तो बोर्डिंग से इधर आता है तो बोर हो जाता है ये, इसको बोर्डिंग में ही मन लग गए। पूरा चेंजेस हो गया, अब तो जाएंगे तो हम खुद पहचान में नहीं आएंगे वहाँ जगह हम लोगों को। जाएंगे जाएंगे इंशाल्लाह। चलो 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 खाना पीना निकालो, कुछ काम काज है कि नहीं है? डैडी नानू के गोदी में। हाँ ये देख लो गाइस आयान का फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप था, नानू के गोदी में रहता था। और ये देखो इसको गाड़ी से इतना प्यार था कि तब भी देखो बीएमडब्ल्यू के लोगों को देखो क्या कह रहा है, बीएमडब्ल्यू पे उंगली एकदम सेंटर में रखे हुआ है। अभी भी इसको बीएम मतलब गाड़ी ही पसंद है, अभी भी इसको गाड़ी पसंद है, बहुत गाड़ी पसंद है। आयान रोजा ने ध्यान में नहीं, आपने शक्कर ले ली मुंह में मुझे नहीं आता। सो गाइस ये देखो ये बना रहा था आयान शरबत, नींबू पानी शरबत बना रहा था, ये खुद रोजा था। इसको बोला जा रहा है आयान चखना नहीं चखना नहीं, और उसके हाथ में ना फिंगर में एक है ना ये शक्कर था, उसने मुंह में ले ली शक्कर। आयु रोजा लग गया लगता आपको? अच्छा नहीं खाया, नहीं खाया। हाँ वो तो है छोटी पे था। हाँ उंगली में था तो क्या करूँ मैं, उसको याद ही नहीं था क्यों रोजे में है। सो गाइस आज आज है ब्लॉग का दूसरा दिन, आज नेक्स्ट डे है, कल हम लोग ब्लॉग एंड नहीं किए थे, आज दूसरा दिन है। और आज आयान ने भी रोजा रखा है ना, आपको रोजा लग रहा है? अरे खा लिया नहीं लग रहा रोजा? चलो अच्छी बात है, वो मुंह पानी छोड़ तो इसलिए तो मुझे याद भी नहीं था कैसे चलो अच्छी बात है। अच्छा वो खाया नहीं इधर ही था। हाँ जाके तो कुल्ली कर लिए ना आपने पट करके, कुल्ली कर लिए। और अभी यहाँ हमारा एक कुछ जरा सा काम बाकी था, ये फ्रेम का हो रहा है आज, फिनिशिंग पूरा आज हो जाएगा। और ये यहाँ पे कुरान पढ़ रहे हैं। कहाँ कितने पारे पे हो कितने पारे पे हो? 12वां पढ़ रहा हूँ। 12वें पारे रोजे से दो पीछे चल रहा हूँ। हाँ ये पीछे चल रहे हैं, रोजे के साथ नहीं चल रहे। एक्चुअली हो जाता अगर आयान को लाने नहीं जाते ना, आयान को लाने चले गए थे ना तो उसमें पीछे हो गए। इसके लिए रह गया। लेकिन तुम है ना पढ़ भी रहे नहीं थे ना, तुम उसे भी आलसपन बहुत कर रहे थे, पढ़ते तो हो जाता। जैसे अभी मेरा है ये ना 18वां पारा हो गया है, ये ब्लॉग जाते जाते 20 हो जाएगा। आधा पारा पढ़ के भाग जाता हूँ। अजय प्रकाश बोलो क्या वाह, अरे वाह
तुझे वाटरमेलन काटना है आयान, आज तो करके रहेगा। चलो कोई बात नहीं, कर लो। आज आयान पूरा हेल्प कर रहा है। देखो ये लड़के को देखो, छुरी भी उल्टा पकड़ता है। अरे मेरे बाप, छुरी तो सीधा पकड़ लो। हाँ वेरी गुड, अरे वाह माशाल्लाह। आज आयान बोल रहा है आज मैं है ना काम करूँगा। उसने सब्जी भी काटा, इतना बारीक बारीक नहीं काटते बेटा। हाँ ऐसा, वरना उसका तो पूरा भरता हो जाएगा। अभी इसके बाद और क्या काटोगे आप? सब्जी काटे, वाटरमेलन काटे, शरबत बना लिए। आज आयान ने इतना कुछ काम किया है। कुछ नहीं किया। हाँ आज आयान ही पूरा किचन संभाला हुआ है। ये देख लो, ये होते बोर्डिंग के फायदे। क्या? ये होते बोर्डिंग के फायदे। बच्चे को अपने हाँ। आप से अपने लाइफ को कैसे करना मैनेज सीख लेता है। हाँ वहाँ ये सब सिखाया गया है ना, खुद किया जाता है वहाँ, ये सब सिखाया गया है ना, जाता है ना उसको, इसीलिए देखो अपना काम बैठ गया। देखो है ना आयान, वहाँ पे सिखाया जाता है ना ये सब। एक बार आपके फोटो सब था, कुकिंग भी सिखाया गया है। आने वाले टाइम में वो तुम्हारे लिए बटर चिकन बना के खिलाएगा। हाँ आयान, अब तक ना मैं बना रही हूँ आपके लिए बिरयानी ये सब, तो आने के टाइम में आप बनाना कुछ सालों बाद, ठीक है? है ना, चलो अच्छा है। चलो अभी हम लोग भी जाते ही काम पे लगते हैं। अम्मी का तो हाल चाल में ये है कि बेचारी अम्मी दो दिन से फोन ट्राई कर रही है लेकिन फोन हो ही नहीं पा रहा, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। क्या पता क्या प्रॉब्लम है वीडियो कॉल में, ना वॉइस कॉल ना वो वीडियो कॉल, कुछ नहीं हो पा रहा। हम लोग का दो तीन दिन से बात नहीं हो रहा है ना, तीन दिन से कोई बातचीत कुछ नहीं हो रहा है। अम्मी बोलते है ना इतना महंगा मोबाइल लेके क्या फायदा, लोग ऐसे ही सब बात कर ले रहे हैं। हाँ अम्मी बोले सबका है ना सस्ता सस्ता मोबाइल है लेकिन मजे से बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। तो मैंने उनको मैसेज के लिए एक काम करो, फेंक दो मोबाइल, फेंक दो मोबाइल, सबसे अच्छा ना रहेगा ना ये रहेगा, टेंशन ही नहीं। एक्चुअली उनको इतना सादा फोन पड़ा था, एक देख के भेज देना चाहिए। लेकिन उसमें आईमो थोड़ी ना होता, वहाँ वो रिचार्ज जाके थोड़ी ना की। अम्मी ये देखो गाइस, अयान ने तो जल्दी काट भी लिया वाटरमेलन। बस हो गया बेटा, माशाल्लाह बहुत अच्छे से काटा। बस बाबू बस, ये क्या आइटम है? ये चिकन क्रिस्पी थ्रेड। चिकन क्रिस्पी थ्रेड थ्रेड किसको थ्रेटनिंग करने वाले हो? थ्रेट नया नया नाम कल ही सुन लो। नया नया नाम क्या, बहुत पुराना रेसिपी है। अच्छा और ये क्या बनाया हो? अच्छा भजिया ही है, भजिया ही है। अभी उसको कट कट करना तैयार मेरा। और ये क्या है? ये तो भाजी है रात के खाने की। हाँ मम्मी ये क्या है? सो आयान आपको रोजा लगा बेटा? आयान थोड़ा सा लगा ना बेटा, मेरा मेरा बच्चा। चलो मैं भी वजू कर लेता हूँ, मुँह धो के वजू कर। अब मम्मा को बनाने करने थे, ठीक है? सो गाइस 6:35 हो चुका है और अभी जो है अरहान को भी ट्यूशन से लेकर के आए, बाहर से कुछ सामान लाना था वापस से गया था, सामान लेकर के आ गया हूँ। अभी जा करके वजू वजू करके रेडी हो जाता हूँ क्योंकि अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा रोजे लग रहे हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और आयान का तो कहना नहीं, माशाल्लाह पूरा दिन रख लिया रोजे अच्छे से, लग रहा था कि नहीं रख पाएगा, है ना? कल भी रखोगे? चलो अच्छा रख लो। सो हमारा पेंटर भी थोड़ा थोड़ा काम करके रेडी करके वापस फिनिशिंग करके चला गया। एक्चुअली क्या था ना, ये वाइट बॉर्डर पे दाग किधर है? चप्पल तो है। अच्छा वो पीछे है, पीछे काम कर रहा है, ये है पीछे भाई साहब। चलो अरहान आपका क्या कहना है? गाइज अरहान, हाँ बोलो अरहान। हाँ बदतमीज बच्चा। तुम्हारा स्कूल ख़त्म हो गया मालूम है कि नहीं? हाँ? तुम्हारा स्कूल बंद हो गया? पता है मेरे को, स्कूल चेंज हो गया। आज अरहान का आज लास्ट डे था स्कूल में। अभी अरहान नए स्कूल में वापस जाएगा एक साल के लिए ना। चलो फर्स्ट डे रहेगा, फर्स्ट डे रहेगा और उसका भी ब्लॉग बनाना। ओके बॉस ओके, क्योंकि मैंने ये वाले स्कूल में तो बनाए थे जिसमें पहले से एडमिशन हो चुका था। हाँ सही बात है। चलो गाइस अरहान से है ना रहा ही नहीं जाता है, दुआ भी पढ़ ही रहा है कि बस शुरू हो रहा है। मुंह में डाल चुका है क्या? अभी मिनट रुक जाने चाहिए। मेरा आयु का आज पहला रोज़ा के लिए भाई बैठा है। हयान रोज़ा में दुआ पढ़ लिया, अभी और अपने से दुआ मांगो। अब अपने लिए दुआ मांगो, पहला रोज़ा रखा ना बेटा, अपने लिए रोज़ा दुआ मांगो। पढ़ाई से मेरा तुम किसके लिए मांग रही हो?
मेरे लिए कब मांगोगे? नहीं मांगोगी? एक बार मेरे को सर्निंग ने सर्निंग करवाई थी पूरा। और ये क्या बनाए हो? यही बनाया क्या? इसका नाम था चिकन चिकन चुल्ला नहीं चिकन लच्छेदार। हाँ अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा है, क्रिस्पी दिख रहा है। चलो गाइस रोज़ा खोल लेते हैं फिर मिलते हैं। अरहान तो मुंह में डाल चुका, पक्का पता चल रहा है इसके। देखो एकदम नालायक बच्चा है, जरा सब्र नहीं होता है। जयप्रकाश प्लेट आगे ले लो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आज हमारे साथ जयप्रकाश भी रोज़ा खोल रहा है, टाइम हो गया इसलिए बोले रोज़ा खोल के जा भाई। अजान हुआ, जाके अजान सुनो। नहीं अभी नहीं हुआ, आवाज आ जाता है, इस बार आ रहा है आवाज। अच्छा तुम कट रही हो। नहीं आता था। क्या तू जा, तू रोजा नहीं है, मैं रोजा। जा जा गैलरी में जा करके उधर सुन के आ बेटा, बेडरूम में आवाज। अच्छा जा भी रहा है, सराफत से जा रहा है अजान की आवाज सुन। अच्छा ठीक है, यहीं पे सुन लो, यहाँ विंडो पे, वहाँ पे खड़े हो जाओ। ठीक है देखना कोई गाना नहीं सुन के आ जाना। अरे इतना बोल करके गया है। ये देख लेना अजान की जगह पड़ोसी की बात ना सुन के आ जाए। पक्का? ठीक है चलो गाइस रोजा खोल लेते हैं। सो गाइस हमारा रोजा भी खुल गया और नमाज भी पढ़ करके हो गया हमारा। सो नमाज़ पढ़ लिया, अब वज़ू किए हुए हूँ, अभी जो है चाय के लिए बोल दिया है, चाय पियेंगे क्योंकि यार चाय तो ज़रूरी होता है। बालिका चाय चढ़ा दें। सो चाय पीते, चाय पियोगे क्या? हैं नहीं पीना है? ठीक है जैसा देख लो, पीना है तो बन रहा है। सो चलो गाइस जो है थोड़ी देर में मिलते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सो गाइज ये था हमारा दो दिन का व्लॉग, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग बहुत कुछ नहीं बना रहे व्लॉग में, क्या एक के बाद एक रिपीट करते जाए। सो कल और आज का ये हमारा व्लॉग था। सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बाकी जो भी आप लोगों को व्लॉग में देखना है कमेंट करके बताना ज़रूर, और लाइक करना भूलना नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।